हेलो दोस्तों, मैं हूं नीना। वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चलते हैं पड़ोसी के घर हर हर शंभू में। सावन के आखिरी सोमवार पड़ोस में हुआ हर हर शंभू, जहां पर कॉलोनी के सभी लोग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, पर आखिरी वक्त में आरती तो मुझे मिल ही गई। आप भी दर्शन करें और आरती का नयन सुख लें। ये है बाबा भोलेनाथ, बहुत ही भव्य श्रृंगार हुआ है। आप सभी भी दर्शन करिए और आपके मन में जो भी इच्छा हो भोले से मांग लीजिए। बहुत ही भोले हैं, इनका नाम भोले भंडारी ऐसे ही नहीं पड़ा है। जो भी आप मांगेंगे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये है हमारी कॉलोनी के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन लाल श्रीवास्तव जी और उनकी पत्नी सुधा श्रीवास्तव जी। हर सावन में एक दिन इनके यहाँ रुद्राभिषेक जरूर होता है और साथ में भंडारे का भी आयोजन होता है। दूर दूर से लोग पूजा में शामिल होकर और भंडारे में शामिल होकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती हैं। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन इन्हीं के द्वारा संपन्न किया जाता है और सावन में इस तरह से एक बार सभी को ये अपने घर पर शिव भक्ति का मौका ज़रूर देती हैं और इस मौके को मैं भी नहीं छोड़ती हूँ, जरूर शामिल होती हूँ। आप भी पूजा में शामिल होकर शिव भक्ति का आनंद लें। आरती होने के बाद सबसे पहले भगवान को आरती दी गई और उसके बाद हम सब ने आरती ली। और ये नन्ना काना जो देख रहे हैं ना गोदी में, इसके साथ मैंने जन्माष्टमी बहुत बखूबी निभाई थी। अगर आपको देखना है तो लिंक आई बटन पर दे दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद पंडित जी ने सबको कुछ गाने के लिए कहा और लोगों ने उल्टा ही पंडित जी को कह दिया कि आप ही गाएं। क्या गाया है उन्होंने आप सुन सकते हैं। Thank you.
आरती लेने के बाद सिलसिला शुरू हुआ भजन का, और ये हमारी मोहल्ले में इकलौती भौजाई हैं जो बहुत ही बढ़िया भजन गाती हैं और ढोलक भी बहुत ही सुंदर बजाती हैं, उनको आप सुन सकते हैं। पर इन्हें टक्कर देने मोहल्ले में एक और भौजाई आ चुकी हैं, लाल सूट वाली। ये भी बखूबी गाना और बजाना जानती हैं, पर इत्तेफाक से आज इनके हाथ में चोट लगी है जिसकी वजह से वो ढोलक नहीं बजा पा रही हैं, पर उन्होंने जो भजन गाया है उसे आप सुन सकते हैं। कुछ इस तरह से पड़ोस में हर हर शंभु संपन्न हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जब तक आप हर हर महादेव लिख रहे होंगे, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।